नमस्कार, मैं हूं योगेश पांडे और आप देख रहे हैं आईबीएन भारत। बहुचर्चित अनामिका शुक्ला मामले में कासगंज पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए जसवंत ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए, जिसमें उसने खुद को कन्नौज के एक विद्यालय में प्रधानाध्यापक पद पर तैनाती की बात कही थी। वहीं इस मामले में कन्नौज के बीएसए किसी भी प्रकार की जानकारी होने से इनकार कर रहे हैं। आपको बताते चलें कि यूपी के चर्चित अनामिका शुक्ला के नाम से फर्जी शिक्षिका नियुक्ति केस में गुरुवार को एक और चौंकाने वाला खुलासा कासगंज पुलिस ने किया था। फर्जीवाड़े के मास्टरमाइंड मैनपुरी के पुष्पेंद्र सिंह उर्फ राजू नीतू ने अपने बड़े भाई को फर्जी दस्तावेजों से बेसिक शिक्षा विभाग कन्नौज में हेडमास्टर के पद पर नियुक्ति करा रखा है। पूछताछ में यह भी बताया गया है कि वह खुद भी विभव कुमार पुत्र विनोद कुमार निवासी हसनपुर मोटा भोगांव के नकली नाम से पूर्व माध्यमिक विद्यालय रामपुर बरौली थाना इंद्रगढ़ ब्लॉक हसेरन जनपद कन्नौज में 22 सितंबर 2015 से फर्जी शिक्षक के रूप में नियुक्त है। वर्तमान में प्रधानाध्यापक के पद पर इसी विद्यालय में तैनात है। वहीं इस मामले में जब कन्नौज के बीएसए के ओझा से जानकारी की गई तो वह ऐसी किसी भी प्रकार की जानकारी होने से इनकार करते नजर आए। मुझे अभी इस पकड़ के बारे में कोई जानकारी नहीं है। मैंने अभी ऐसा प्रकरण कोई मेरे संज्ञान में अभी तक नहीं आया जनपद में। अगर ऐसा कोई टीचर है या फर्जी रूप में है कहीं भी है तो उसकी हम पूरी जांच कराएंगे और जांच कराने के बाद उस पर सख्त कार्रवाई करेंगे। नहीं, अभी ऐसी कोई प्रकरण मेरे संज्ञान में नहीं है। यदि जैसे ही संज्ञान में आता तुरंत उस पर कार्रवाई करूँगा। जनपद शास्ती में हत्याओं का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। बीते 24 घंटे में तीसरी हत्या हुई है, जिससे पूरे जनपद में हड़कंप मच गया है। आपको बता दें कि पेड़ काटने गए युवक का शव उसी बाग में संदिग्ध हालात में पड़ा मिला जिस बाग में वह पेड़ काट रहा था। उसके चेहरे और सर पर काफी गंभीर चोटें भी आई, जिसके चलते परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। और यह घटना यूपी में श्रावस्ती जिले के थाना मलहीपुर क्षेत्र के सैयापुर की है, जहां सलीम की लाश संदिग्ध परिस्थितियों में खून में लथपथ पड़ी मिली, जिसके सर पर गंभीर चोट के निशान मिले। वहीं सलीम को बुलाने वाले दोनों युवक मौके से फरार हैं। परिजनों में कोहराम मचा है और हत्या की आशंका जताई जा रही है। आपको बताते चले कि पिछले 24 घंटों में अलग अलग थाना क्षेत्रों में 3 हत्याएं हो चुकी हैं। खबर देवरिया जनपद से है, जहां पुलिस अधीक्षक देवरिया डॉक्टर श्रीपति मिश्रा द्वारा अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाने और वांछित अभियुक्तों को गिरफ्तार के लिए उनके विरुद्ध अभियान चलाकर कार्रवाई करने तथा सभी क्षेत्राधिकारियों को अपने अपने क्षेत्रों में संदिग्ध वाहन एवं व्यक्ति की चेकिंग करने के लिए जनपदीय पुलिस को निर्देशित किया गया है। जिसके बाद जिले में आज थाना बनकटा पुलिस द्वारा 1 अदद देसी तमंचा व 2 अदद जिंदा कारतूस के साथ 12,000 रुपये इनामी अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि श्रीपति मिश्रा की निर्देश पर ये बड़ी कार्रवाई की गई है। इस जनपद के थाना बनकटा पुलिस ने जनपद में 12,000 के इनामी अपराधी को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। यह इनामी अपराधी पिछले 1 वर्ष से वांछित था और इस पे 12,000 रुपये का इनाम घोषित था। इस अभियुक्त पर 3 मुकदमे हैं और ये 2 मुकदमों में वांछित चल रहा था। इसकी गिरफ्तारी हुई है और गिरफ्तारी में इस अभियुक्त के कब्जे से 1 अदद देसी तमंचा और कुछ कारतूस बरामद हुए हैं। अभियुक्त को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। खबर लखनऊ से है, जहां पर नेता प्रतिपक्ष रामगोविंद चौधरी ने यूपी सरकार पर जमकर हमला बोला है। आपको बता दें कि रामगोविंद चौधरी ने कहा है कि यूपी में 69,000 शिक्षक भर्ती समेत अभी तक जितनी भी भर्तियां हुई हैं सब में घोटाला हुआ है, सभी के पेपर आउट हुए हैं। यूपी में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। मुख्यमंत्री ने लॉकडाउन में मंदिरों के दरवाजे बंद कर दिए थे और शराब के दुकानें खोल दी थी। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण का स्वागत करते हुए चौधरी ने कहा कि बीजेपी के लिए राम केवल वोट देव हैं। ऐसा सुनने में आ रहा है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण प्रारंभ हो गया है। तो मानने वाले लोग हैं, इसका स्वागत है, लेकिन हम लोगों के लिए राम इष्ट देव हैं और भारतीय जनता पार्टी के लोगों के लिए राम कोटि देव हैं।
जब 17 का चुनाव हो रहा था तो इन लोगों ने नारा दिया था कि अब की बार न भ्रष्टाचार न गुंडा राज, अब की बार भाजपा सरकार, हम बनाएंगे राम राज। आज प्रदेश में 69,000 शिक्षकों की भर्ती में कितना बड़ा घोटाला हुआ इसका अंदाज नहीं लगा सकते। एक लड़की 25-25 स्कूल में से वेतन उतार रही है, इतना बड़ा स्कैंडल। इसके पहले भी एक भर्ती हुई थी शिक्षक की, उसमें भी मानी हाईकोर्ट के निर्देश पर कापियां जांची गई, उसमें भी सब गलती पाई गई और उसके बावजूद जेल भेजे गए कुछ अधिकारी, कापियां फूंक दी गई। लेकिन ये ईमानदार मुख्यमंत्री ने इतना भ्रष्ट आचरण करने वाले लोगों को भी नियुक्ति पत्र दे दिया। जितने भी परीक्षाएं हुई हैं, चाहे वो लेखपाल की हो, पशुधन की हो, चाहे जल निगम की हो, जो भी वहां से निकला परीक्षाएं हुई, सब पेपर आउट हुए, सब में घोटाला हुआ। प्रतिदिन डकैती हो रही है, छिनैती हो रही है, बलात्कार हो रहा है, मर्डर हो रहे हैं। और सबसे अधिक बात कि इस महामारी में ये राम का मंदिर बनाने वाले लोगों ने देवी देवताओं के मंदिर बंद कर दिया, मस्जिद गुरुद्वारा गिरजाघर बंद कर दिया और शराब बेचने के लिए छूट दी। धरती पर अत्याचार, अनाचार, दुराचार बढ़ गया है, लोग आतंकित हैं, लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है, जनतांत्रिक प्रणाली खतरे में है। जनपद बहराइच के खैरी घाट पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए मादक पदार्थों की तस्करी में लिप्त एक बड़े तस्कर को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से 450 ग्राम मार्फीन बरामद हुई है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय कीमत लगभग 4 करोड़ रुपए बताई जा रही है। तस्कर के पास से देसी असलहा भी बरामद हुआ है। पुलिस की गिरफ्त में आए मिराज नाम के इस तस्कर के पास से एक 4 पहिया वाहन गाड़ी भी बरामद हुई है। इसी वाहन से वह तस्करी को अंजाम देता था। पुलिस के आला अधिकारियों का कहना है कि मिराज नाम के इस तस्कर की तलाश जनपद की कई थानों की पुलिस को थी। आज दिनांक 11/6 को थाना खैरी घाट पुलिस द्वारा मिराज पुत्र रियाज निवासी अलीगढ़ थाना खैरी घाट को 450 ग्राम मार्फीन, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय कीमत लगभग 4 करोड़ रुपए है, मैं एक तमंचा तथा एक 4 पहिया वाहन के साथ गिरफ्तार किया गया है। पकड़े गए अभियुक्त के विरुद्ध 10 अभियुक्त पूर्व से ही पंजीकृत हैं, जो मारपीट और मादक पदार्थों की तस्करी से संबंधित।